Namaskar, good evening. I'm Suveer Saran. I'm here with Vardhan Marwa, and we have baby Haridash Malhotra here. baby, हमारे लिए baby है क्योंकि सबसे young है यहाँ पे. पर हरी जम्मू के हैं, वरदान आप पंजाब के हैं ना? दिल्ली के हैं. तो दो दिल्ली वाले एक जम्मू वाले. And welcome to the Amul Facebook Live that we are doing today. We are talking about kulfi, and kulfi is a common sticks. We have tille wali kulfi and a bar kulfi, and it's all about indulgence of kulfi. Vardhan, kulfi to sadaron ne discover kari thi ya Jammu walo Kashmiriyon ne ya Delhi walo ne? Nahi, ye kulfi Punjabi hai. Nahi, it's been there since 16th century and Mughal time mein thi kulfi actually. And I was just reading about it the other day, and Akbar ki records mein bhi hai ki kaise tab se kulfi bante aa rahi hai. And हमारे पास Persians की वजह से है. It was called, it comes from the word kufli, kufli. Yeah. Which you know what it means? Covered top. Topi. Yeah, cover. Topi. Yeah. Exactly. Yeah. तुमने बड़ा homework करा है. तो वरदान शेफ अगर homework कर ले बहुत बड़ी बात है, because normally इनका ये अलग ही किस्म का homework करते हैं, which takes them out of the home, not at home. But the idea behind this session, ये था हम लोगों का कि हम आपको बताएं कि जब holidays आती हैं, वरदान इज दी दादी नानी एंड मम्मी ऑफ हिज हाउस. ये खाना सारा बनाते हैं ना? आप ज्यादा कुकिंग करते हो ना? नहीं, माय मॉम लव्स टू कुक, आई लव टू कुक, बट यू डू मोस्ट द द फीलिंग ऑफ कुकिंग फॉर पीपल टू मेक देम. ही इज अ मॉडर्न डे मैन. आजकल नए जमाने के आदमी लोग, उनको कोई झिझक शर्म नहीं होती खाना बनाने में, और होनी नहीं चाहिए. सो ही इज द मॉडर्न एपिटमी ऑफ अ गुड इनक्रेडिबल मैन. ही कुक्स एट होम. तो जब जो घर पे खाना बनाता है हॉलीडेज के टाइम पे, वो बेचारे थक जाते हैं. यू कांट हैव दिवाली एवरी डे फॉर दो हफ्तास. तो हफ्ते में एक दो बारी आप छुट्टी लीजिए, कभी आइसक्रीम ऑर्डर कर लीजिए मिठाई की तरह घर पे, जो ताजी ताजी आपको चाहिए, कभी कुल्फी. तो वरदान शेफ ने मुझे बोला, इनको शायद कुछ ठंडा खाने का मन होगा, मीठा खाने का, बोला शेफ आमूल कुल्फी बनाते हैं, और आंखें निकल रही है बाहर, थूक मुंह से निकल रहा है. And he said, Chef, Amul kulfi बहुत बढ़िया बनाते हैं. तो will you tell them to send us Amul की kulfi? तो हम लोगों को जाड़े आ रहे हैं, यहाँ पे kulfi के लोग थोड़ा डरते हैं. तो हम लोगों ने उनको बोला, प्लीज हमारे को kulfi दिलवाई अलग अलग फ्लेवर्स की. तो मिलती है सारी मार्केट में. हमारे पास आज चार फ्लेवर हैं. वरदान ने हम लोगों के लिए ये बनाया है, थोड़ा सा चॉकलेट को और क्रीम को मेल्ट करके गनाश बनाया है, चॉकलेट सॉस जैसा. तो अब शुरू करें. आपको हम दे रहे हैं राजवाड़ी kulfi. आप तो राज तो है ही नहीं, आप तो दिल्ली के हैं ना, आपको कुछ और अभी देनी पड़ेगी. शाही पंजाबी कुल्फी, ये रहते हैं पंजाबी बाग में, तो परफेक्ट. या पंजाबी कुल्फी, दैट्स अ मावा इलायची फ्लेवर है. तो व्हेन वी थिंक ऑफ कुल्फी, व्हाट हम लोग अब क्या कर रहे हैं, कुल्फी को खोलेंगे. इसी में एक संडे की क्लास तक कुल्फी खोलना आपको सिखाएंगे. वो भी बहुत मुश्किल का काम है, पर ये मेरी तो आधी खाली है. Is mine bigger than yours? Heavy? Yeah, I think so. Yeah, this is. Oh yeah, definitely. दिखाइए. देखिए. Ooh, naughty, naughty. हम ना. तो ये तो अब हम इस कुल्फी को ये गनाश में डिप कर रहे हैं. देखिए क्या बढ़िया. जब गीला गीला है, एक साइड को आपने इसमें फ्रूट्स में डाला, एक साइड को नट्स में डाला. वाह. तो ये आपकी राजवाड़ी कुल्फी, महाराजवाड़ी कुल्फी हो गई. ये तो राजाओं के लिए, महाराजाओं के लिए है. अब हम लोग मजे करने वाले, अब आप लोग सब चिरेंगे. डबल डिपिंग अलाउड. ये तुम लोग अभी तुम स्टैंड करो. सो वी गॉट सम क्रैनबेरीज एंड ब्लूबेरीज ऑन वन साइड. तुम्हारे में इतना थूक था, चॉकलेट चिपकी नहीं रही. किसका मुंह अभी भी पानी बहना. बहुत देर से वेट कर रहे हैं. एंड द अदर वन इज ऑल रोस्टेड नट्स. तो आप ये एक इजी वे ऑफ डूइंग अ डेजर्ट है. जरूरी नहीं है हर रोज पूरा दिन बैठ के खीर बनाए एंड काढ़ो दूध को. घी मतलब बनती है कुल्फी, घी से बनती है. आई मीन द प्रोसेस इज स्लो कुकिंग. आप काटते हो, यू अब मॉडर्न डेज में लोग इवेपोरेटेड मिल्क एंड कंडेंस मिल्क यूज करते हैं. सेम मजा नहीं है. बट द एक्चुअल फन ऑफ मेकिंग अ कुल्फी इज व्हेन यू कीप बॉइलिंग द मिल्क फॉर रियली लॉन्ग स्लो कुकिंग, एंड दैट्स व्हाट यू गॉट इन द स्टिक बाय अमूल. सो व्हाई नॉट डू समथिंग फन विद इट. तो व्हाट अमूल इज डूइंग, इसमें पता चल रहा है कि ना इसमें
वो ब्लॉटिंग पेपर डाला गया जो हलवाई लोग डाल देते हैं. Exactly. ना इसमें कंडेंस मिल्क डाला गया है. इवन दो अमूल बनाती है कंडेंस मिल्क, उन्होंने कुल्फी में नहीं डाला क्योंकि उसमें वो गमीनेस नहीं आ रही है. ये रबड़ी मावा और दूध के बीच की चीज होती है कुल्फी. कुल्फी में मावा का टेक्सचर आना चाहिए, रबड़ी का टेक्सचर होना चाहिए. धीरे धीरे आंच पे बहुत प्यार से इत्मीनान से पकाए गए दूध से कुल्फी बनती है. एंड उस दूध में जो फ्लेवर आते हैं वो मावा रबड़ी का होता है. एंड वाइल द मिल्क इज कुकिंग स्लोली फॉर अ लॉन्ग टाइम यू आर कैरमलाइजिंग द लैक्टोज इन द मिल्क एंड द शुगर. कैन यू प्लीज टेक वन बाइट वदान टॉक टू देम व्हाट दे आर डूइंग. सो श्वेता अनिल जैन बोल रहे हैं हमें ललचाने के लिए थैंक यू. ऑल्सो फिंगर लिकिंग गुड, वेरी गुड. रजवाई कुल्फी एंड पंजाबी कुल्फी. वाओ, अगर सरदार जी ने बोल दिया पंजाबी कुल्फी इज गुड, वी आर इन गुड शेप. ये रहते भी पंजाबी बाद में है. ही इज अ ट्रू पंजाबी. गुड दादी की तरह. या आई एम अ पंजाबी फॉर श्योर, बट यस आई लव द कुल्फी. द फैक्ट that a good kulfi won't really melt, so this because ice cream melts really quickly, kulfi is always very dense, so it doesn't really melt that quickly. Acha main to kha raha hu rasgulla kulfi. Wow, okay. Amar sonar bangla and amar behto rasgulla. So this, look at this, ab isko bhi hum thoda sa chocolate pe dal ke khayenge. And the next one that I'm gonna eat is a rajbhog. So this one looks like very dense and decadent. Yeah. Oh wow. So it has a coating of a white chocolate, cocoa butter. So it gives you a crunch. Flavor is how? It's called a Rajbhog. Rajbhog kulfi. So what amazing journey. Kya pura Hindustan ghum sakte hain rasgulla lijiye. Dumhe ko doji. So there has a very andar dekhiye. Meri skin ka color hai peaches. ऊपर मेरी जो गोरा पन है क्रीम, तो मेरी पीच इतनी फेयर एंड लवली कलर. इट्स नॉट फेयर एंड लवली. इट्स नॉट फेयर, थैंक गॉड. इंडिया देखिए कितनी उन्नति कर रहा है कि फेयर एंड लवली क्रीम फाइनली इट्स गॉन आउट ऑफ बिजनेस एट दैट नेम. गोरापन कभी भी कोई बेहतरीन चीज नहीं है, पर यहाँ पे इन्होंने बहुत बढ़िया तरह से गोरेपन को सेलिब्रेट करा है कि बाहर व्हाइट चॉकलेट डाली गई है, अंदर कुल्फी है. आप लोग क्या कर रहे थे? वाओ वाओ, लाइक अ स्मूथ कस्टर्ड. थैंक यू, दिस इज अमेजिंग. राजभोग कुल्फी अमेजिंग, जस्ट लाइक द मिठाई राइट. मेरे को जो चमचम वगैरह बनते हैं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. Amazing. Thank you, Amul, the Taste of India. Yeah. For giving us Rajbhog Kulfi. Aap ek se ek dena ek bite ke baad. The Rajbhog is actually like a mithai here, right? And we have one more last left, which is pista and malai kulfi. Wo to meri hai. So we have more, sorry. This one's bahut badmaash hai Punjabi baat ke ladke. Sab chori kar lete hain. तो पिस्ता किसी के नाम कितना सुंदर है पिस्ते का. Cheers. 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 आँखों के साथ एक मिला के देखिए तो 7 years बहुत बुरे होते हैं. Always look at each other while cheering. So I'm going to do this without chocolate, so I'll do it. I'll do it with chocolate. One bite with chocolate. Very different. And very smooth. Like having chocolate but white color. Yeah. And ये तो बचता है. You can share with me. ये बहुत ही पिस्ता मलाई. पिस्ता मलाई बहुत क्रीमी है. As the name says, मलाई, it's literally मलाई. बिल्कुल लग रहा है कि मुंह में मलाई ठंडी ठंडी जा रही है. These kulfis from Amul are available across the world, not just in India. There are 15 flavors of kulfi. Every region has their own favorite flavors. They have taken you on a kulfi train ride across India. एक लगता है कि आप एक प्लेटर ऐसे बनाइए, ताश पार्टी खेलिए, तीन पत्ती की जगह तीन कुल्फी खेलिए, सब लोगों को तीन तीन फ्लेवर चखने को मिलेंगे. क्या मजा होएगा. और घर भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि कोई गैम्बलिंग नहीं हो रही. यू आर एंजॉयिंग द फ्लेवर्स ऑफ कुल्फी. बट नो डाउट रजवाड़ी एंड पंजाबी आर द विनर्स. सो वी पंजाबी ऑल्सो इज बेस्ट. यस, सो नो डाउट. बट नो, अमेजिंग. थैंक यू अमूल.
अब आप लोग को सॉरी अब तंग कर रहे हैं, क्वेश्चन बताऊं वो श्वेता नील जैन शेफ वरदान इज रसगुल्लो एंड यू आर राजभोग शेफ वरदान हाँ गोल गोल इनका चेहरा ना मोटे से बात कर रहे सॉफ्ट सुंदर और टेस्टी और मैं राजभोग रॉयल बिल्कुल थैंक यू जी किसने बोला ये श्वेता नील जैन श्वेता जी आपका बहुत बढ़िया टेस्ट है No wonder आप अमूल की फैन है because you can realize कि मैं मराठा से अच्छा हूँ so thank you and अमूल की तरफ से वेतर दोनों तरफ दोनों की तरफ से आपको बहुत 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 धन्यवाद पहले मैं क्या करा दिया आपको yeah so we've got some nuts here which we roasted so there's almonds there's hazelnuts there's cashew nuts उसमें हमने थोड़ा सा नमक डाल के roast करा and then we finally chopped it so the whole idea is of DIY, do it yourself. So you can do it yourself. Hindi mein bolo. Do it yourself. खुद से करिए. आप अपनी meal बना रहे हैं. So everyone gets like a tiny glass जिसमें हमने Amul dark chocolate या milk chocolate आप दोनों में से कोई भी use कर सकते हैं. And Amul cream just added equal quantity of both of them. And microwave कर दिया हमने दोनों को. So you microwave this until you get like a fudgy texture. आपको ऐसा liquid मिलेगा. And then you have different kulfis. And we've got some cranberries, blueberries, raspberries, dried. तो सबको एक-एक अपना platter और अपनी choice of kulfi मिलेगी. You dip one, and then you dip the topping of your choice. So like I love roasted nuts, so I would dip, and then you could see how it sticks on the kulfi. Bite, you dip and yeah. bite. And it gives an extra texture. Also, it's fun. So it adds more flavor to it. Though it's already very flavorful, it's बहुत ज़्यादा flavorful है. But एक fun चीज़ है जो आप अपनी family के साथ festivals में कर सकते हैं. जुआ खेलने की जगह कुल्फी खेलिए and पांच छह flavor अपने मन के लाइए. And इससे बेहतरीन क्या चीज़ आप खाना बनाया आपने किचन गए सब कुछ दो savory नमकीन चीज़ें उनको आपने रखा थोड़ा ब्रेक लिया वापस आइए सजाइए अपनी सारी कुल्फियों को टेबल पे हमने बर्फ अंदर रखी हुई है उनके नीचे आप उसके साथ कुल्फी के साथ बैठिए सबको एक प्लेट नट्स की स्पाइसेस को भी ग्राइंड करके अब मिला सकते हैं सौंफ भी डाल सकते हैं इसके ऊपर क्योंकि फिर वो फास्ट ऐसा भी हो जाएगा जो आपको टॉपिंग देनी दीजिए और खेलिए एक साथ एक अपने फैमिली के और फ्रेंड्स के साथ कुल्फी का गेम अमूल का टेस्ट ऑफ इंडिया की कुल्फी का गेम जी हाँ आप इन्हें प्लीज अंदर फ्रिज में डाल दीजिए तो पिघल ना जाए But for me, kulfi is an experience that is very Indian, and I'm very proud of kulfi. Kulfi is the gelato of India, for lack of a better word. क्योंकि बिना अंडे की बनी हुई है क्योंकि आइसक्रीम में तो अंडा बहुत ज़्यादा होता है. अमूल हमारे लिए बनाती है बिना अंडे की, पर दुनिया भर में अंडे के साथ बनती है आइसक्रीम. पर जिलाटो में अंडा नहीं होता है. तो जिलाटो इटली की आइसक्रीम है, इटली की कुल्फी है. And kulfi is an incredible way to end the meal क्योंकि ठंडी है उसको आप गरम गरम मैं कई बार इन्हीं कुल्फी को मैं बादाम शेफ को बोल नहीं पाता क्योंकि मेरे पास आज संतरे नहीं है मेरे फ्रिज में मेरे को थप्पड़ पड़ने चाहिए मेरे को सोचना चाहिए था ये पर मैं न्यूयॉर्क में मेरा जो रेस्टोरेंट था पहला मिशलन स्टार इंडियन रेस्टोरेंट अमरीका का वहां पे हम कुल्फी बनाते थे उसको एक गरम गरम संतरे के सूप के साथ देता था मैं तो संतरे का सूप गरम और खुशबूदार उसमें सिट्रस है जो थोड़ा हल्का लगता है मुंह पे और मलाई जो है कुल्फी की जब वो मेल्ट होती थी ऐसा एक्सपीरियंस आप कभी सोच नहीं सकते थे आपको मिलेगा तो मैं सूप को बनाने के लिए दो या तीन संतरे लीजिए उनको आपने फ्रेश स्क्वीज करा उनका रस उसमें थोड़ा आपने दालचीनी और लौंग और थोड़ी सी स्टार एनिस के साथ कुक करा और उसको आपने 15-20 मिनट कुक करा कि खुशबू आ जाए स्पाइसेस की उसमें फिर आपने उसको या तो सर्दियों में गर्म दिया गर्मियों में ठंडा दिया और क्योंकि ठंडा सूप भी कुल्फी से तो गर्म ही है तो कुल्फी पिघलने लग जाती है वो जो एक ऑरेंज आइसक्रीम सोडा होता था ऑरेंज क्रीम सोडा हमारे जमाने में आपको नहीं पता था मिलता था, मिलता आप तो 20 साल को तो कहीं नहीं मिलता था हमारे यहाँ पे लेमन सोडा मिलता था विद द लेमन क्योंकि ऑरेंज महंगा था ना तो इनको लेमन था पर हम शहनशाहों के टाइम पे ऑरेंज क्रीम सोडा मिलता था तो उसको आपने वो सूप बनाया आप अमूल की कुल्फी लीजिए जो फ्लेवर आपको अच्छा लगे द कॉन्ट्रास्ट इज अमेजिंग तो वो सिट्रसी नोट्स एक इनक्रेडिबल थिंग टू डू या चॉकलेट के साथ खेलिए सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज क्रिएटिंग अ सिट्रस सूप विद ऑरेंज और ब्लड ऑरेंज और लेमन आई थिंक लेमन विद इवन दैट इज फाइन लेमन विद अ हिंट ऑफ शुगर एंड द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द क्रीम एंड द एसिड ऑफ द सिट्रस
will be incredible. We are talking about how you can make your holiday season fun, easy, and playful, and interactive, and do it yourself, as Chef Fardan said. All of that you bring to the table with frozen kulfi made by Amul. You can be resting assured that there's no impurity there. Aajkal har cheez main baar baar bolta hoon. The reason I want to do this with Amul is that Amul is a corporation, a cooperative of farmers, of dairy farmers, and hardworking men and women that are committed to purity of taste and flavor, of ingredients, and they don't bring anything impure to the market. So it's very easy. Har jagah thoda aapne ek ye cheez mila di, thoda kuch aur mila diya, pata chalta nahi hai. दूध में फेविकॉल डाला जा रहा है हिंदुस्तान में. अमूल केयर करती है, रिस्पेक्ट करती है अपनी डेयरी के इंग्रेडिएंट्स को. आप लोग बिना डरे हुए खा सकते हैं. दैट इज व्हाट आई लव अबाउट देम. इट्स अ क्लेवरली दे कॉल इट द टेस्ट ऑफ इंडिया एंड आई एम विलिंग टू बिलीव दैट. ऑल देयर प्रोडक्ट्स आर ग्रेट. कुल्फी रेस्ट कीजिए, रेस्ट वन और टू डेज ड्यूरिंग द हॉलीडे सीजन. प्ले विद कुल्फी. डू लाइक What kulfi did your grandmother make when she made it? Did she make kulfi or? Yeah, she Punjabi for lazy hote na. No, we always make kulfi. Aap bhi puch rahe blood orange kaisa hota hai? Blood orange santre ki tarah hota hai, par andar uska lal hota hai, khoon ke rang ka hota hai, aur uska juice thoda aur bhi meetha hota hai. क्योंकि खून तो जब को जो जिसने खून पिया उनको पता है कितनी मिठास होती है. मैंने नहीं पिया पर मैं बिलीव करता हूँ. आपने कभी खून पिया है? नहीं. आप पीते हैं बट कोई नहीं. नहीं बट वी यूज्ड टू मेक कुल्फी एज किड्स. अभी भी कभी कभी बट पंजाबी हो आप लोग तो लेजी होते हो तो आप लोग तो वो मिठाई मेड की कुल्फी बनाते हो. मैं तो बहुत ज्यादा कुल्फी बनाता हूँ. मैं मिठाई मेड नहीं, दूध के साथ एंड क्रीम को काटते हैं. क्रीम को भी डाल देते हो? क्रीम है ना. पंजाबी लोग लेजी होते हैं. मेरी दादी तो लखनऊ की थी. वो कुल्फी 6-7 घंटे दूध को उबाल के बनती थी. ना उसको कभी मलाई देखी ना मिठाई में देखा. मेरी नानी जो पंजाबी थी इसकी तरह गोरी चिट्टी रानी की महारानी लगती थी. नानी जब पहुंची वो बेचारी 70-75 साल की थी. अमरीका में उन्होंने अपने आप को देखा क्योंकि उनके बच्चे सारे वहां पे मूव कर गए थे. नानी ने 75 साल की उम्र पर ओल्ड फैशन कुल्फी बनाना बंद करके मिठाई मेट और दूध के साथ कुल्फी बनाई. मिक्सी में ब्लेंड करती थी एंड इतनी बढ़िया कुल्फी. इट वाज बट उसमें मलाई जाती थी. मलाई और मिठाई. सो जब व्हाट वी डू इज जब आप दूध और दूध को काटते रहिए एंड में थोड़ी सी आप क्रीम डालेंगे तो आप देखोगे उसके ऊपर एक लेयर सी आ जाती है मलाई की. तो वो लेयर हम मलाई की उतार के बाहर रख देते हैं एंड और काटते जाते हैं. जैसे जैसे लेयर आती है हम उठा के अलग रखते हैं और एंड में जब वो बन जाती है वापस सारी मलाई डाल देते हैं और वो रबड़ी की तरह ट्रीट कर रहे हैं. तो दिस इज व्हाई बर्दान डज व्हाट ही डज कि ये लगते हैं हलवाई की तरह हैंडसम एंड थोड़े हट्टे कट्टे और इनके आइडियाज भी वैसे बहुत दिलचस्प हैं. तो आपकी दादी कैसी बनाती थी कुल्फी वहां पे देख के बोलिए. बचपन से कुल्फी बनती थी घर पे जैसे सबके. तो वही दूध को काट के उसमें डिफरेंट फ्लेवर जैसे केसर का कभी 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 इलायची का फ्लेवर डाल के कभी कुछ भी जितने भी माय नट्स डाल के उसको काट के उसको एक राउंड से उसमें मोल्ड में डाल के फ्रीज करते थे थोड़ी देर के लिए. राउंड मोल्ड में तो उसको कुल्फी के साथ उसको जम्मू में मिलती नहीं थी. छोटा शहर था ना उसमें. सो अमेजिंग. कुल्फी के साथ नहीं मिलते थे उस टाइम पे. मैंने ऐसी खाई है और बाद में अब सांचे देखिए मॉडर्न इंडिया. मेरे जमाने में तो था ही बस कुल्फी का सांचा. वो एल्यूमिनियम के मिलते थे बहुत सुंदर उनके स्क्रू टॉप ढक्कन. तो मेरे लिए या तो वो कुल्फी है या ये अमूल की कुल्फी. वो जो और शादियों पे वो जो कुल्हड़ की कुल्फी थी उसकी भी सुंदरता है बहुत. पर वहां पे कई बार आदमी को खाते खाते पता चलता है कि कागज निकल रहा है. ब्लॉटिंग पेपर डाल देते थे. तो ये बात बहुत डरावनी लगती है हिंदुस्तान में कि हम लोग प्रॉफिट मुनाफे के भूख में कई बार गलत चीजें करते हैं. अमूल के साथ आप निडर होके खाइए वो चिंता नहीं करनी. मेरे घर पे तो यही जैसे बदान शेफ बता रहे हम लोग एक कड़ी हुई कुल्फी बनती थी. उसमें अलग अलग 2-3 किस्म की बनती थी. किसी को किशमिश खानी है, किसी को बादाम खाना है, किसी को दोनों खाना है. और जब समर आता था तो मैंगो सीजन में मैंगो की कुल्फी बनती थी. अब अमूल ने ब्लैक पेपर अब अमूल ने बहुत ईजी बना दिया है. आपको मैंगो कुल्फी खानी है वो मिलेगी. आपको रसगुल्ला कुल्फी खानी है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था वो भी आप खा सकते हैं. अगर आप मेरे तरह शहनशाह हैं तो आपको राजभोग कुल्फी एंड अगर आप हरी जी की तरह अच्छे पंजाब के पुत्र हो तो पंजाबी कुल्फी भी है. पर पिस्ता कुल्फी इसका 15 फ्लेवर्स हैं अमूल के कुल्फी के. आप इंजॉय देम सेलिब्रेट देम
एंड टेक अ डे ऑफ. सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको आज बताना चाह रहा था कि हमने आज क्यों नहीं कुकिंग आपके साथ करी. हम लोग तो शेफ्स हैं, हमें कुकिंग से कोई डर नहीं लगता. हम कुकिंग हमारा पैशन है, हमारी हॉबी है, और वी आर लकी कि हमारी हॉबी हमारे लिए पैसे भी बनाती है. तो हमें कभी भी डर नहीं लगता कुकिंग करने से. पर इनका आइडिया था कि आज हम अमूल के फ्लेवर्स लेके आए और आपको दिखाएं कैसे एक दिन आप हर एक हफ्ते में हॉलीडेज के ऑफ नाइट लीजिए, डिजर्ट मत बनाइए, बाहर से लेके कुल्फी अमूल की एंजॉय कीजिए. और कोई क्वेश्चन आ रहे हैं हरी जी? रोल करके कुल्फी कैसे बनाते हैं? हम तो रोल करके नहीं, हम तो अमूल को ना रोल कॉल में डाल देते कि फोन बजे हर इतने हफ्तों में और अमूल से कुल्फी पहुंच जाए. उसमें सब झूठ की सब झूठ और फरेब आंखों का तमाशा है. वो इट्स अ मैजिक ट्रिक. वो मैंने खाई पुरानी दिल्ली में रामलीला के साथ, रामलीला ग्राउंड में उन्होंने बनाई और हम लोग, मैं बैठे बैठे उससे देख रहा हूँ. और वो उसमें ना दूध ना मलाई, उसमें कलरिंग डालते रहते हैं, फेविकॉल के कलर, फेविकॉल और कुछ पानी जैसा लिक्विड, उससे वो मलाई बन जाती है. पर नहीं नहीं, वो कुल्फी तो बहुत डेंजरस है, उसमें कोई फ्लेवर नहीं है. पर लगती वो कई साड़ियों से भी बेहतर है क्योंकि उसके रंग इतने रंग बिरंगा, तिरंगे से भी भरा हुआ रंग है उसका. आप घर पे बना सकते हो नॉर्मल एक रोल कुल्फी. अमूल की जो कुल्फी है आप उसको एक पैन में डाल दीजिए और मेल्ट कर दीजिए फ्लैट पैन में. वाओ. और उसको फ्रीजर में डाल दीजिए. जब वो जम जाएगा तो एक शार्प नाइफ से उसको ऐसे ऐसे करके आप स्क्रेप करेंगे तो वो रोल होती जाएगी. तो दैट कैन बी योर रोल कुल्फी. Which you can use Amul Kulfi in me. But then you have to be a sucker for glutton for punishment. In English ka expression hai ki jis aadmi ko apne aap ko thappad maarne wo aise harkatein kare. Jab Amul aapko tille wali kulfi de raha hai to role kya karana. So kya to ulti baatein logon ko sikhate hain. Matlab jab aapko khani hai role kulfi, unannounced kisi dusre ki beti ki shaadi pe chale jaiye, koi lifafa paise ka shagun ka leke jaiye aur khoob role wali kulfi khaiye. So you can do that there. But in best of times, buy it, make it yourself. If you घर पे अगर आपके पास अमूल का दूध है, whole milk, अमूल की fresh cream है, अमूल का मिठाई मेट है, घर पे बनाइए, सांचों में डालिए और सब ठीक हो जाएगा. हरीशव आप क्या देख रहे हैं? पॉज हुई थी इसमें शेफ. देखिए कुल्फी खाते खाते हमारा फोन भी पॉज हो गया ये. तो फोन भी आज मजे करना चाह रहा है. बट थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर अ सेशन ऑन कुल्फी. Kulfi is India's, I think, one of the favorite desserts. What do you think? Yeah, yeah. The classic Indian ice cream is kulfi. And but what do you think are the top three desserts of India? Hindustani. Well, I think kulfi one of them. I love rasmalai for sure. Kulfi, rasmalai, kheer. Kheer. I agree. Kulfi, rasmalai, kheer. So these three are quintessential. But gulab jamun, rasmalai. But I think shahi tukra, haan babu, to hamare ghar pe hota na to. इनको थोड़ा पता चाहिए. ये तो खेती बाड़ी वाले आदमी हैं, तो इनसे तो हम चाहते कि ये गाय का दूध निकाले हमें दे. और इसलिए हम उनको हमेशा जय जय का बहुत जयकार करते हैं. बिकॉज़ वी वांट हिम टू बी अ गुड हैप्पी फार्मर. तो हमारे लिए दूध लाया करो. आई विल टेल बट प्लीज एंजॉय डेयरी. डेयरी हैज अ लॉट ऑफ गुड दैट वी वेजिटेरियंस. आप तो मीट खाते हो पर हम लोग जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. डेयरी इज इंपॉर्टेंट. डेयरी इज एसेंशियल टू गेट ऑल द प्रोटीन दैट यू नीड फॉर लिविंग एंड इट गिव्स यू ऑल द न्यूट्रिएंट्स प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंटली तृप्ति कॉल्ड सैटिएटी. विद डेयरी यू फील मजा आ गया. अब हम जाके सो सकते हैं. नहीं तो अब रात भर कभी कुछ नमकीन खा रहे हैं, कभी किसी और का सर खा रहे हैं, आप चिड़े हुए रहते हैं. थोड़ी आइस कुल्फी आपने खा ली, अमूल की आइसक्रीम खा ली, चॉकलेट खाई, एक छोटा टुकड़ा, एक तिल्ले वाली कुल्फी, पूरी बड़ी खाने की जरूरत नहीं है. आपको जो तृप्ति मिलती है आप फिर पलंग पे जाके अच्छे थॉट सोचकर आप सो जाएंगे, स्वीट ड्रीम्स भी मिलेंगे और अगले दिन फिर मेहनत करिए और लोगों को अपने हाथ की बनी हुई खाना खिलाइए. क्वेश्चन कोई आ रहा है? संडे मना रहे हैं. फोन भी कौन? श्वेता जैन बोल रहे हैं. फोन भी संडे मना रहे हैं. फोन संडे मनाता है श्वेता जी. आई एम वेरी सॉरी. लेजी फोन्स आर द वर्स्ट. बट थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन संडे फॉर अमूल लाइव. We just pick up an ingredient and play with it. Today was kulfi. आज हमने kulfi को celebrate करा है. Thank you for joining us. हरी जी वहाँ पे आप बंद कर दीजिए. Thank you everybody. You.
Chef Hari, Suvir and Vardhan. Thank you.